नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अपने घर पर इजीली एलोवेरा किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं ये जानेंगे। ये वीडियो पूरी अपडेट के साथ होगा, इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करते हुए आखिर तक देखिएगा, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, आप बने हुए हैं मेरे साथ अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन गार्डन पर और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। अगर आप लोग हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, फिर मैं वीडियो की शुरुआत की देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलोवेरा का पौधा लिया हुआ है, ये देखिए। इस तरीके का आपको एलोवेरा का पौधा ले लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं इसके लिए मिट्टी की तैयारी की लेता हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पर 70% अपने गार्डन की मिट्टी ली हुई है, ये देखिए। और फिर मैंने ली हुई है कंपोस्ट यानी कि गोबर खाद, ये मैंने 30% ली हुई है। इसकी जगह आप गोबर खाद, केचुआ खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स किए लेता हूँ। अगर आपकी मिट्टी में इस तरीके ढीले बने हुए हैं तो आप इसे अच्छे से तोड़ लीजिए। तो दोस्तों, एलोवेरा के लिए मिट्टी रेडी हो चुकी है, ये देखिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक की कटी हुई बोतल ली हुई है, ये देखिए। इसमें मैं एलोवेरा को ग्रो करके दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं इसे मिट्टी से अच्छे से भर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इस प्लास्टिक की बोतल में मिट्टी अच्छे से भर ली है, ये देखिए। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक लकड़ी लेनी है और लकड़ी की सहायता से आपको इसमें एक होल बनाना है जिससे हमें एलोवेरा लगाने में आसानी हो। तो दोस्तों, मैंने एक होल बना करके तैयार कर लिया है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एलोवेरा ले लिया है, ये देखिए। तो चलिए मैं इसे इसमें लगा करके आपको दिखाई देता हूँ। इस तरीके से आपको अच्छे से लगा देना है और फिर आपको हल्के हल्के हाथों से मिट्टी को अच्छे से दबा देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने एलोवेरा को अच्छे से लगा दिया है, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं इसमें अच्छे से वाटरिंग किए देता हूँ। फ्रेंड्स, पहली बार में वाटरिंग आपको भरपूर करनी है। तो दोस्तों, मैंने वाटरिंग अच्छे से कर दी है, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अपडेट के साथ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, 15 दिन पहले हमने इस कटी हुई बोतल में एलोवेरा को लगाया था, ये देखिए। ये फ्रेंड्स पूरे 15 दिन बाद का अपडेट है और हमारा एलोवेरा काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने घर पर अपने बगीचे में एलोवेरा को बहुत ही आसान तरीके से उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।